तानिया, why are you standing here? जाके सलमान के पास खड़ी हो ना? He's busy with his friend. So what? Doesn't matter. Just go ahead. Maybe that's a short speech. Hi. I hope I'm not bothering you. Not at all. What's up? Do you believe in arranged marriage? I don't believe in marriage. But somehow, now I do. तो फिर रोको किरण जी को, ये हम क्या कर रहे हैं? Such a waste of time. काश मैंने रोक सकता हूँ. और काश मैं तेरी बकवास रोक सकता. आदत है सर, हर खुशी के मौके पे कोई घटिया बात करने की. तुम कब तक इसको बचाते रहोगे? जिस दिन इसने कुछ गलत किया, साथ तुम भी मारे जाओगे. Oh please, don't say like this. जिंदगी बहुत खूबसूरत है. तो आखिर आपको अपनी तानिया की याद आई गई. हाउ आर यू किरण जी? आई एम गुड स्वीट हार्ट. तुमने भी तो इतने अरसे से अपनी दोस्त को याद नहीं किया. कहीं आपका और डैड का झगड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं तो आई नो. एंड तुम्हारी जिमी से मंगनी हो रही है? किसी ने मुझे आज ही बताया. किसी ने क्या? मैंने खुद सलमान को बताया. डैड ने अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से सब इस रिश्ते से परेशान हैं, मुझे तो हैरत हो रही है कि मैं क्या करने जा रही हूँ. सलमान से तो मेरी बात नहीं हुई है, बट मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ. कब? कहाँ? ओके, ठीक है. ओके. कैन आई ऑर्डर यू समथिंग एल्स? कैपुचिनो, फ्रेश जूस, एनीथिंग? नो, आई एम गुड. एक्चुअली आई शुड गेट गोइंग नाउ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. तुम्हारे डैड के साथ झगड़ा अपनी तरफ, लेकिन हम तो अपनी दोस्ती निभाएंगे ना? एब्सोल्युटली राइट. लेकिन अगर डैड को पता चला कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो पता नहीं क्या करेंगे वो. तुम्हारे डैड की ऐसी की तैसी. किसकी? तानिया, मैंने कहा था मेरी बेटी से दूर रहना. तैफूर साहब, डैड मैं मिलने आई थी इनसे. क्यों? क्योंकि ये मेरी दोस्त थी. आप नहीं है. आप व्यक्ति कर रहे हैं. खामोश रहो तुम. डैड, हम घर चल के बात करते हैं, प्लीज रिलैक्स. थर्ड क्लास बात है औरत को धमकी देना, लेकिन अपने अंदर औरत जैसी हया पैदा करो, नस्लों के काम आएगी. आई एम सो तानिया. चलो. नो 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 बेटा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? फिर से तुमने उन लोगों से रिश्ता जोड़ लिया? वो आपके बचपन के दोस्त की बेटी है. लेकिन वो अपने बाप जैसी नहीं है. खैर, तुम नहीं समझोगे. आई नो, मैं जानता हूं वो औरत फिर से तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है. इतना गुस्सा सिर्फ उस एक पेपर फैक्ट्री की वजह से? वो फैक्ट्री मेरा और उसके बाप का पहला कारोबार थी. जान बूझ कर उसने अशमत को गिरवी रखवाया, मकसद मुझे नीचा दिखाना था. सलमान के साथ भी तो आपने मेरी मंगनी तोड़ी. आपको क्या लगा किरण जी कुछ नहीं करेंगे? और तुम अब भी उनके साथ हो? मैं सिर्फ आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी. लेकिन जल्द आपको एहसास हो जाएगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है. देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.